किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके के एक न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें हमारे पशुओं में जो है समय समय पर जो है डीवर्मिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हमें अपने पशु की जो है अपने पेट पशु के जो पेट की है सफाई करवाने की, यानी कि हर 3 से 4 महीने में करवानी ही चाहिए अपने पशु की जो है डीवर्मिंग। चाहे तो आप नेचुरल तरीके से या जो मार्केट में दवा वगैरह आती हैं उसकी मदद से आप अपने पशु की जो है डीवर्मिंग करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा आप जानते होंगे, अगर हम अपने पशु की डीवर्मिंग सही समय पर नहीं करवाते हैं, हर 2 से 3 महीने के अंतराल में अगर नहीं करवाते हैं अपने पशु की डीवर्मिंग, तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर हम डीवर्मिंग अपने पशु की नहीं करवाते तो हमारा पशु जो दूध देने वाला पशु है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है, उसकी दूध देने की क्षमता भी घट जाती है। और अगर हम अपने पशु की डीवर्मिंग नहीं कराते तो कई बार क्या है कि जो हमारे पशु के पेट में जो टेप वॉर्म या जो भी कीड़े होते हैं वो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पशु के जो है माइंड तक या दिमाग तक पहुँच जाते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे पशु में जो है सर्रे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सर्रे बीमारी की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें पशु जो है वो खड़े खड़े उसको चक्कर आने लगते हैं, पशु जो है खड़े खड़ा ही गिरने लगता है, कमज़ोर होता जाता है, और कई बार जो है पशु की हानि भी हमें उठानी पड़ती जाती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आज आपको दो ऐसे जो है घरेलू नुस्खे आपको बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नुस्खे हैं, जिससे आप अपने पशु की जो है नेचुरल डीवर्मिंग कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। किसान भाइयों, पहला उपाय जो है हमारे लिए जो डीवर्मिंग के लिए पशु की, उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगी अजवाइन की आवश्यकता। और अजवाइन हमें आवश्यकता पड़ेगी 40 से 50 ग्राम की। अब हमें करना क्या है कि अपने पशु को जो है 40 से 50 ग्राम अजवाइन है उसको अच्छी तरह से पीस करके और अपने पशु को जो है खिला देना है। आप चाहें तो इसको पानी में मिला करके भिगो करके भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप अपनी फीड में जो दाना अपने पशु को देते हैं उसमें भी मिक्स करके अपने पशु को दे सकते हैं। और हमें जो उपाय है, अपने पशु को 10 दिन के अंतराल में 2 बार देना है, यानी कि 3 महीने में, यानी कि आज आपने अपने पशु को जो है अजवाइन का जो दिया है तो उसके 10 दिन बाद एक बार फिर से दें, और फिर 3 महीने के अंतराल में अपने पशु को ये विधि जो है दोहरानी है। तो इससे हुआ है कि अपनी आपके पशु की जो है नेचुरल डीवर्मिंग हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है नेचुरल डीवर्मिंग के लिए, उसके लिए जो है आपको अपने पशु को जो है जो नीम की जो हमारे अक्सर आपको जो है नीम की पत्तियां देखने को मिल जाती हैं और नीम के पेड़ भी मिल जाते हैं, या जैसा कि आप साइड में चित्र में भी देख रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी 2 से 4 किलो पत्तियों की। और डंडियां भी आप दे सकते हैं, अगर आपको पत्तियां नहीं हैं तो आप डंडियों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, उसके सेम रिजल्ट रहेंगे। आप डंडियां दें या पत्तियां दें, दोनों ही चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इसको देने के लिए आप 2 से 3 किलो जो है अपने पशु को जो पत्तियां हैं इनको दें, और 10 दिन के अंतराल में जैसा कि आप अजवाइन दे रहे थे उसी अंतराल से आप अपने पशु को जो है नीम की पत्तियाँ या डंडियाँ दे सकते हैं। और देने के जो आपका पशु है खिलाने के लिए, आप या तो उसको चारे में दे सकते हैं, या आपका पशु ऐसे ही सीधा खा लेता है तो आप उसको सीधे भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने पशु को देने के बाद देखेंगे कि उसको जो है दस्त वगैरह की समस्या अगर हो रही है तो वो कभी होगी ही नहीं। अगर पेट में उसके कीड़े होंगे तो वो सारे कीड़े मर जाएंगे, अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक, वीडियो